प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के मद्देनजर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मोरनी में प्रदेश के पहले पर्यटन सुविधा केंद्र और विभिन्न साहसिक खेल गतिविधियों का उद्घाटन किया और धार्मिक और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करवाने वाली बस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विभाग द्वारा स्थानीय युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने होमस्टे और फार्म टूरिज्म नीतियों का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटकों को स्थानीय परिवारों के घरों में रहने और स्थानीय संस्कृति व व्यंजनों का अनुभव मिल सकेगा और स्थानीय फार्म मालिकों और ग्रामीणों को आजीविका के अवसर मिलने में मदद होगी। हम सब लोग यहाँ आए थे, मैं भी था, आप भी सब थे, और उस दिन जो भूमिका बनाई गई थी मुझे बड़ी खुशी है कि उसके ऊपर हमारे डिपार्टमेंट ने या जो बॉस और जो सहयोगी जितनी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हैं प्राइवेट हैं, उन सब ने, इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उसमें योगदान किया, तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, उसके कारण से आज इसको विधिवत टूरिस्ट प्लेस मोरनी टिकरताल एक प्रकार से इसको घोषित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मोरनी टिकरताल में टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। तो पहला केंद्र टिकरताल का, ये जो आपने देखा है कि पिछली बार पानी कम था, इस बार वर्षा के कारण से वो अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा पानी यहाँ होता है। अभी थोड़ा बहुत पीछे से झरने वगैरह चल भी रहे हैं, अक्टूबर अंत तक तो चलेंगे, लेकिन उसके बाद वो सब सूख जाते हैं, वर्षा के कारण से ही पानी सब आता है और यहाँ से पानी रिश्ता भी है आगे, उसके कारण से गर्मियों में ये पानी लगभग 5-6 फुट पानी कम होता है। तो इस पानी का उपयोग हम जितने भी हमारे जो खेल हैं वाटर स्पोर्ट्स, उनके नाते से आज हमने देखा, पिछली बार हमने देखा, इसको कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग भी पिछली बार डेमो दिखाया था, लेकिन अभी पैराग्लाइडिंग के कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, वो महीने में 2 महीने में पूरी हो जाएंगी।